और मोहब्बत होगी
उदाहरण होगी फिर उदाहरण होगी तो क्रिकेट में का तरीका अलग होगा। मैंने कहा बस मौला हुसैन के आप के लिए शर्त बस ये दलील तो पे दावे हरवर के समय का मार आता है आपका कौन है तो हरवर के समय का मार नहीं जानते मौला के साहब ने मौला के खवास साहब ने हां खवास में और सिर्फ साहब ने ही मार मौला के दोस्त ने हरवर के समय का मार मौला के दोस्त ने। एक रोज आप मेरी दुकान पे बैठे हो इस समय का मार की दुकान की सुनो यही बताया कि मैं इस समय का मार गया है और साहब बैठे हुए हैं पास फिर आप उसकी मौला ने सामने समय का मार एनिसम घर जाओ एनिसम घर जाओ हर बार इस समय का मार आते दो मार असली दुकान में घूम भी आते उन्होंने कहा मौला मैं आपको घूम में बिठा लेते और साय में चला जाओ आपको घूमने में बिठा लेते और साय में चला फरमाया इमाम होके कहता घर जाओ और जैसे ही हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दूर है तो उन्होंने जो देखा हो एक कदम घर के अंदर रखा वापस वाह 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 चालीस बार
महत्वपूर्ण ये है कि जहां माशूक का पसीना गिरे, जहां माशूक का पसीना गिरे वहां आशिक का लहू गिरता। इसके बाद कायदा ये है, जहां माशूक का पसीना गिरे वहां आशिक का लहू गिरता। अब चूंकि आदित को इश्क था हुसैन से, मौलाना एक सहाबी आदित बिन हबीब शाह ये कूफे पे हजरत हबीब के साथ गए, हजरत हबीब ने कहा कि दोनों कूफे के साथ आए। जैसे ही हजरत आबिद को इजाजत थी, जैसे मौलाना हजरत आबिद को इजाजत थी, हजरत हबीब के कहने के बाद कि देखो तुम्हें कि आबिद क्या कर रहे हैं, या ना था देखो तुम्हें आबिद क्या कर रहे हैं। आबिद मक्तल कर रहा, जैसे मक्तल कर रहा है रजस पर कहा आबिद ये बहुत बड़े सुझाव उमर साहब का, फिर क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए। इसने कहा मेरा तो ये मसला, मेरा तो ये मसला कि आप इस पे पत्थरों की बारिश कर दिया, आप इस पे पत्थरों की बारिश कर दिया, तो बस मैं हुक्म को अमल में लाया, आप इस पे पत्थरों की बारिश की, एक पत्थर हजरत आबिद के चेहरे पे आया, एक पेशानी में लगा, एक सीने में लगा, एक फिर उसके गले मुबारक पे। दूर से हजरत हबीब देख रहे हैं अब आप क्या करते हैं। मैंने क्या कहा और उसे मोहब्बत होगी तो नए फेस को कहा नहीं नहीं नहीं। दूर से हबीब देख रहे हैं कि अब आप क्या करते हैं, देख रहे हैं आप पे पत्थरों की बारिश हो रही, कोई पत्थर पेशानी पर आकर लगा, कोई चेहरे पर, कोई सीने पर, कोई अलग मुबारक। अब क्या करते हैं, देखा कि हजरत आबिद ने अपनी तलवार को नियाम से बाहर निकाला, हजरत आबिद ने अपनी तलवार को नियाम से बाहर निकाला, तलवार को नियाम से बाहर निकाल के हवा में लहराना शुरू किया। दूर से हबीब देख रहे हैं कि आप अपनी तलवार को हवा में लहरा रहे हैं, हजरत आबिद का तलवार को नियाम से बाहर निकाला था, लश्कर दूर हटा। जैसे ही हजरत आबिद ने देखा कि लश्कर दूर है कहां है, चेहरे पे मुस्कान हटाई, मुस्कुरा के अपने ही तलवार से अपने ही सर पे जरब लगाना शुरू कि एक इलाही अपाम में देखा।
आपके को नष्ट करें, आप जहां तक हो सके नष्ट करें, दुनिया को पता चले कि वाला बात की बात है, बात क्या अब दुनिया को नहीं पता कि ये बात क्या। एक ईरानी ने बाद में देखा था कि मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी है, दो शहंशाह बैठे हुए और कुछ बच्चे खेल रहे। उन्होंने कहा मैं शहंशाह को पहचान गया, हमने जान गया कि एक रसूल खुदा एक अबी लेकान मैं जान गया, एक रसूल खुदा है एक अबी लेकान, लेकिन जो बच्चे खेल रहे मैं उन्हें नहीं जान। और हमने अभी मैं देख लिया अभी ये कायनात में पड़ा है, ऐसे में रसूल खुदा ऐसे में मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे बेटे अब्बास को आप मेरे बेटे अब्बास को कुछ तोहफा दे, आप मेरे बेटे अब्बास को कुछ तोहफा दे। मैंने हवाला पहले बता दिया और फिर ये वाक्य पढ़ा, आप मेरे बेटे अब्बास को कुछ तोहफा दे, जैसे अमीर कायनात ने ये कहा कि आप मेरे बेटे अब्बास को कुछ तोहफा दे, रसूल खुदा अपनी जगह पे खड़े हो। Hey, hey.
Oh, yeah.
लाइफ में भी हुई। Yeah!
साफ तौर पर सुना मैं मन होता है ये कैसा मन कौन है उसे कौन है जो नहीं जानता कौन है उसे कहेगा कौन है जो जानता है कि कौन है इस बाहु सलाम और जो नमाज का चिराग है
जो वजूद का खुलासा, जो वजूद का खुलासा है, जो वजूद बिखरे तो सलाम किया होंगे। हाय हाय वाह वाह वाह, सलाम किया होंगे लाखों फरिश्ते रखे, और जब यही सिमट जाए तो तन्हा हो जाएगा लगता ओए तन्हा में आवाज आ जाएगी। और अल्लाह को तो वजूद का तफसीर है किताब, मैं उस हुदाय की बात कर रहा हूं जो किताब की तफसीर है। हमारा खुद दार तफसीर है तो हमारे मौला हुसैन को छोड़ रहे किसके लिए? इशारे में उमूर है बनाने में इंकलाब, हर तरह के शराब का हमारे उमूर आए आए हमारे उमूर बनाए हुसैन को छोड़ रहे उसके लिए जो हर तरह की शराब का नशावर है और कुत्तों के खेल का खिलाड़ी। Oh,
कौन है, कौन जानेगा कि कौन है वो? कौन बताएगा क्या जो है, कौन जानेगा कि कौन है वो? एसल अन्नसर वला तसल अन्नसर, फरमाते पूछो हुसैन का नसब क्या है, ये ना पूछो हुसैन का नसब क्या है। नसब कहते हैं खानदानी का वाला, हसब कहते हैं जाती का वाला। तीन दिन का था और उसने कलाम दिया, और ऐसे नबी नबी होता
ईमान ईमान होना चाहे वो अच्छा नहीं होना, तुम्हें औलादे हम देंगे, तुम्हें औलादे हम देंगे, बस जैसे मौला हुसैन ने ये कहा कि तुम्हें औलादे हम देंगे, एक मुनाफिक के कान पर बेशुमार आपने क्या कहा औलादे आप देंगे, मौला अगर इन तीन में औलादे होती तो अल्लाह बेशुमार होगा। आपने जो ये बात कही है कि औलादे हम देंगे, ये अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, जैसे होते ये कहा कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, और हमारे जो बाप अली ये होता है और हजरत और हुसैन चार से ये जमाने है, ओए होए नहन मशीयत अल्लाह, ओए I'm not going to be able to do that.
क्रिया प्रभाव